धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। सारा संसार रोगों से भरा पड़ा है, दुखों से भरा पड़ा है, पाचा फरमाते हैं जो जो दिसे सो सो रोगी, कि मैं जिसके ऊपर भी नजर मार रहा हूं उसे कोई ना कोई रोग जरूर है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक। दास ने सोचा इस हफ्ते इस बार आपको हर रोग का इलाज बताया जाए। गुरु महाराज की वाणी में हर रोग के लिए, हर दुख, हर तकलीफ के लिए शब्द मौजूद है। हर शब्द अपने आप में एक मंत्र है। सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजान। तो मैं तैयारी कर रहा था कि कौन से रोग के लिए कौन सा शब्द आपको दूं। हर रोग का इलाज वाणी में है साथ, हर दुख का इलाज वाणी में। पर तैयारी करते करते गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा की, एक सुमत बख्शी। मन में विचार आया कि अगर एक रोग का शब्द दे दूंगा तो इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा रोग उत्पन्न नहीं होगा। अगर एक दुख का इलाज आज बता भी दूंगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिंदगी में दोबारा दूसरा दुख नहीं आएगा। तो मन में विचार आया कि क्यों ना रोग को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, साथ संगत जी यहां पे ध्यान दीजिए। बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मन का हाल है। हल्का सा कुछ हो जाए ना, खास करके सत्संगत में सबका ध्यान वहाँ चला जाता है। और पिक्चर देखते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं, कोई आवाज़ दे तो ध्यान नहीं होता कि कौन बुला रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत कीमती वचन है गुरु महाराज जी के। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं कि एक रोग का इलाज करोगे दूसरा तैयार खड़ा है, एक दुख का इलाज करोगे दूसरा तैयार खड़ा है। मानो एक वृक्ष हो, टहनी काट दो टहनी फिर से उगाएगी। तो गुरु महाराज जी ने कुछ सुमत बख्शी दास को, महाराज कृपा करें सर पे हाथ रख के सेवा लें। आज गुरु महाराज हमें यह समझाएंगे कि अगर तू दुखों को मूल से खत्म करना चाहता है तो क्या करें, ऐसा क्या करें कि आज के बाद कोई दुख जिंदगी में आए ही ना, कोई रोग जिंदगी में आए ही ना, जड़ से खत्म कर दें दुख को, आओ श्रवण करें। आज महाराज हमें यह समझाएंगे कि परमानेंट इलाज क्या है दुख का।